कोबरा एक्चुअल में अपने आप में एक स्पेशल फोर्स है जो जंगल के अंदर स्पेशली जंगल के लिए बनाई गई है और जंगल के अंदर इसको महारत है और जंगल में बहुत ही अच्छा काम करती है जो आज भी कर रही है। 2008 में स्थापित कोबरा कमांडोज सीआरपीएफ की एक विशेष इकाई है। सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। यह देश में सीआरपीएफ की उन कुछ इकाइयों में से एक है जो विशेष रूप से गुरिल्ला टैक्टिक्स और जंगल वॉरफेयर में प्रशिक्षित है। इन्हें जंगल वॉरियर्स के नाम से भी जाना जाता है। कोबरा कमांडो सीआरपीएफ की सबसे मजबूत और बहादुर यूनिट में से एक, अपनी कड़ी ट्रेनिंग और अदम्य साहस के लिए जाने जाते हैं। आइए आज हम इनके प्रशिक्षण के कठिन सफर पर एक नजर डालते हैं। मैं एज ए ट्रेनर कोबरा कमांडो की ट्रेनिंग देता हूँ, तो हमारे शेड्यूल यही है कि हम उनको जो हमारा प्रोग्राम बनता है उसके हिसाब से हम उनको फिजिकल ट्रेनिंग और साथ में उनको मेंटल ट्रेनिंग और साथ में जो भी मतलब इफिशिएंसी ग्रोअप वाली ट्रेनिंग है उसको हम देते हैं। इस ट्रेनिंग का पहला उद्देश्य है जवानों की शारीरिक क्षमता को उच्चतम स्तर पर लाना। हर कमांडो को किसी भी परिस्थिति में अपने शरीर को सक्षम रखना होता है। यह केवल शारीरिक शक्ति का मामला नहीं है बल्कि मानसिक दृढ़ता और तकनीकी कुशलता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हर कमांडो को अपने दुश्मन को निकटतम दूरी पर भी मात देने की क्षमता रखनी चाहिए। जंगल में खास करके हमारी जो ड्यूटी है वो नाइट की ज़्यादातर होती है, दिन की होती है। नक्सलियों से मुठभेड़ होता है, किस तरह कब कहाँ मुठभेड़ कैसे हो जाए कोई पता नहीं होता, क्योंकि जंगल के अंदर जब हमारी फोर्स जाती है अपने टेक्टिकल मूवमेंट करते हुए या टेक्टिकली हालत में, तो हमारा सामना कब नक्सली से हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। कोबरा कमांडो की निशानेबाजी का अभ्यास उनकी सटीकता और तेज निर्णय लेने की क्षमता को और भी मजबूती देता है। यह अभ्यास उन्हें हर प्रकार की स्थिति में प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए तैयार करता है। जंगल में सर्वाइवल की ट्रेनिंग को गंभीरता से लिया जाता है। हर कमांडो को किसी भी विषम परिस्थिति में जिंदा रहने और दुश्मन से बचने के कौशल सिखाए जाते हैं। जंगल वॉरफेयर बाकी वॉरफेयर से पूरी तरह से अलग होता है। इस लड़ाई में विजेता वो होता है जिसे जंगल की ज्यादा जानकारी होती है। इस लड़ाई में एक लिमिटेशन और है कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि आप जितना सामान कैरी कर सकते हैं उसी के साथ आपको जंगल में लड़ाई लड़नी होती है। तो हम अपनी ट्रेनिंग में किसी भी टीम को जंगल में कैसे चलना है वो सिखाते हैं, उसके बाद में फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिक्स सिखाते हैं। तो हमारी ट्रेनिंग पाने के बाद में एक कमांडो टीम जंगल में अपने आप को संगठित सुरक्षित रखते हुए दुश्मन पर विजय पाने में पूरी तरह से सक्षम होती है। कठिन इलाकों में ऑपरेशन करने की क्षमता कोबरा कमांडो की सबसे बड़ी ताकत है। ये ट्रेनिंग इन्हें हर चुनौतीपूर्ण स्थिति में आत्मविश्वास और दक्षता के साथ काम करने के लिए तैयार करती है। केवल ताकत और कुशलता ही नहीं बल्कि दिमाग भी हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। हर मिशन की योजना और इंटेलिजेंस का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि कमांडो का जो दिमाग है वो उसका सबसे बड़ा हथियार है, और साथ ही आपके जितने भी सेंसेस हैं, जैसे रात में आपको दिखाई नहीं देता तो आपके कान आपकी आँख का काम करते हैं, तो आपके ना केवल ट्रिगर पर उंगली बट उसके अलावा जो आपके सेंसेस हैं वो कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उस वेपन से जो हमारे हाथ में है, क्योंकि अगर वो सब सेंसेस ठीक काम करेंगे तो आप वेपन का ठीक से प्रयोग कर पाएंगे। टीम वर्क और समन्वय कोबरा कमांडो की सफलता की कुंजी है। यह ट्रेनिंग उन्हें एकजुट होकर हर मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए तैयार करती है। यह केवल ट्रेनिंग का अंत नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है।
कोबरा कमांडो हमेशा देश की सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। सभी ने अपनी मेहनत और समर्पण से यह साबित कर दिया है कि ये सच्चे कोबरा कमांडो हैं। देश को कोबरा कमांडोज पर गर्व है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।